295 और 9648 c नॉट ओके। अच्छा और क्या ऊपर वाला तो है 4/3 सो देयरफॉर फाइनली C equivalent आ जाएगा 48/11 + 4/3 ठीक है ना। यानी बेसिकली 144 + 44/33 यानी 188/33 C नॉट। आई थिंक यही आंसर था शायद सबके। अब तो खैर वो चला गया मैसेजेस चैट चैट मैसेजेस वगैरह है ना। तो देयरफॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी 188/33। लेकिन एक मैं लास्ट क्वेश्चन देना चाहूंगा इसी सीरीज का। और वो है now well there are lots of messages ye kya ho raha hai bhai anirudh ye sab kya chal raha hai bhai anirudh rachit ise kya chal raha hai yes yes messages and all ab ya to main fir messages hi band karwa do hai na isme option hota hai
Will that look good? This is not good. तो अभी ये नया क्वेश्चन है, इसमें एक जय का क्वेश्चन है, तो लेकिन इससे प्लेट इनफाइनाइट जैसे सेमी इनफाइनाइट जैसे नहीं हो गया? एक्चुअली देखो पता क्या है कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं ये जो प्लेट्स है इसके सेपरेशन इतने कम है कि पॉइंट इतना प्लेट के करीब है कि समझ लो कि मैं प्लेट को इनफाइनाइट जैसे ही मान सकता ये चीज। तो देयरफॉर मैं हर पॉइंट पे फील्ड जो है इनफाइनाइट का ही ले रहा हूं ये चीज। और देखो सेमी इनफाइनाइट प्लेट के लिए कोई फील्ड का डेफिनेशन, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए है पर सेमी इनफाइनाइट प्लेट का नहीं है इस तरीके, ठीक है ये चीज। और वैसे भी अगर मान लो लेट्स से अगर सेमी इनफाइनाइट वायर का प्लेट का कांसेप्ट निकाल के लोगे तो सिर्फ यहीं पे वैलिड होगा, बाकी जगह क्या लोगे ये सारी जगह। तो देयरफॉर वी एक्सट्रापोलेट और अप्रोक्सीमेट दिस एज फील्ड एवरीवेयर एज फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेट, ये फर्क, ठीक है ना। हाँ तो इसका आंसर बताओ, ये थोड़ा सा देखते हैं इससे क्या कैलकुलेशन आता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, ओके 132/23 सबका ये आ रहा है। अच्छा एक चीज देखो जरा, मैं पहले पूछना चाहूंगा इस दैट हैव यू डन इट लाइक दिस, और अगर ऐसे किया है तो इन दैट केस ये गलत है, ठीक है ना, ये वाला फिगर गलत हो जाएगा। भाई मर्सी क्यों ये कैपेसिटर हो गया और ऊपर वाले दो कैपेसिटर हो गए ऐसे से तो ये आ गया। देखो अगर ऐसे करोगे तो ऑब्वियसली आई नो कि इसका आ जाएगा 4 into epsilon naught into a/d/3 तो ये आ जाएगा 12 C0। फिर ये आ जाएगा जो है तुम्हारा 6 into epsilon to a/3 upon 2t/3 यार, लेकिन ये वाला करेक्ट आंसर नहीं देगा। अब ऐसे क्यों नहीं, क्योंकि ये उसी का ही तो एक्सट्रापोलेशन है। The answer is that, इसका जो करेक्ट आंसर है वो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, फिर मैं जस्टिफाई करूंगा कि ये क्यों गलत है और जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो क्यों सही है, वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। देखो इसका जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा वो पता है कैसे होगा, ये जो फोर है ना इसको मैं अब दो बार लिखूंगा, पता है कैसे, मैं इसको भी काटूंगा और मैं इसको तोड़ूंगा ऐसे, ठीक है, इसके साथ मैचिंग और इसके साथ भी मैचिंग, और ये फोर और ये फोर, और फिर मैं बनाऊंगा डायग्राम ऐसे, इसमें ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये तो चलो ठीक है 3C0 है और ये भी सी ठीक है 8C0 है, इसका अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका अलग से करेंगे, इसका क्या होगा 4 into epsilon into a/3 upon d/3 तो ये हो जाएगा 4C0 और ये हो जाएगा 4 into epsilon into 2a/3 upon this तो यानी हो जाएगा 8C, और वैसे भी 8+4 मिलके 12 होगा। इसमें क्यों,
हाँ वैसे मनन का सोल्यूशन अच्छा है और मनन ने सवाल सेम पूछा है कि इसमें लॉजिक में गलत क्या है ना, मैं भी बताता हूँ थोड़ा सा, पहले इसको देख लूँ ठीक है ना। अभी ऑब्वियसली मुझे तो बताना ही पड़ेगा, जब मैं इसको मना कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली फिर मना क्यों कर रहा हूँ वो भी बताना पड़ेगा, और ये क्यों एक्सेप्ट कर रहा हूँ दोनों ही बताना पड़ेगा। अभी मैं आ रहा हूँ उस पर, यू नो वैसे मनन का सोल्यूशन अच्छा इज दैट जो भी आंसर वगैरह भेजना हो तो पर्सनली भेज, उससे क्या फायदा होता है ना, फिर वापस में वो नहीं चलता, नहीं तो फिर कट पेस्ट चलता है। एंड एनीवे पहले इसको देखा जाए, फोर और थ्री पैरेलल सीरीज में आके तो 4 × 12 / 4 + 3 = 7 / 12 / 7 यानी इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 / 7 ये हो गया 12 / 7 सी नॉट और ये हो जाएगा 8 / 8 यानी 4 C0 8 × 8 18 × 8 + 8 4 C0 यानी फाइनली क्या बनेगा, फाइनली बनेगा इक्विवेलेंट टू 4 + 12 = 7 4 + 28 + 12 = 40 / 7 यानी आंसर आ गया 40/7 C0 यानी एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40/7। अब ये इसका एक्चुअल आंसर है ठीक है ना, एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 40/7 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट क्या होगा 40/7 तो ऑब्वियसली फिर ये सवाल है तो सवाल है किसने क्या गलती है। एक्चुअली देखो पता क्या है कि मैंने ये जो मेथड बताया था वो क्या था, मेथड ये था कि हम ना बीच में प्लेट रख रहे थे, लेकिन अभी तक मैंने इस पे क्यों नहीं मना किया, क्योंकि अभी तक पता क्या, देखो एक प्लेट रख रहे हो, याद रखना कौन सा प्लेट, मेटल प्लेट, यानी वो प्लेट रखने का आइडिया सही तभी होगा जब उसके हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल वाला सिचुएशन एग्जिस्ट करता हो। क्या वो सिचुएशन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन है ना। अब इसका जवाब सुनो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो आपने मना नहीं किया है ना, क्यों नहीं मना किया, क्योंकि इसके पहले जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने किया था, मैं एक फिगर बना ही देता हूं, एक क्वेश्चन हमने किया ऐसे इस टाइप का, तो देखो यहां पे अगर एक प्लेट पुट करता हूं, अगर यहां पे मैं अगर एक प्लेट पुट करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली में भी सेम पोटेंशियल पे होगा लेकिन यहां पे नहीं होगा। अब बता दो क्यों, एक चीज बताओ, यहां का फील्ड अगर E1 है तो यहां का फील्ड E2 होगा है ना, क्योंकि क्योंकि दोनों का डायलेक्ट्रिक अलग अलग है, क्योंकि दोनों का डायलेक्ट्रिक अलग अलग है, तो देखो अगर यहां का फील्ड E1 होगा तो यहां का फील्ड E2 होगा। अब डिस्टेंस तो ये भी सेम और ये भी सेम, डायलेक्ट्रिक अलग होने से फील्ड अलग हुआ बट थिकनेस यानी डिस्टेंस तो सेम है, तो देयरफॉर E1 D1 यहां का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां का होगा E2 × D1 या चलो 2D/3 का हो तो E2 × 2D/3 और यहां का E1 × 2D/3। अब E1 × तो अलग है और यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेम पोटेंशियल प्लेट पे क्योंकि ये कॉमन प्लेट है, ये प्लेट तो मैं जबरदस्ती जोड़ने का या अटैच करने का या रखने का सोच रहा था पर वो सोच गलत, क्यों, क्योंकि यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं है इस बार, तो देयरफॉर अगर जबरदस्ती यहां से लेके पूरा ऊपर तक एक प्लेट जोड़ दोगे तो तुमने तो जबरदस्ती कर दिया सेम पोटेंशियल का, लेकिन सेम पोटेंशियल वाला कंडीशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा क्वेश्चन, इसलिए क्या होगा, गलत आंसर है यानी। इसलिए इस बार क्या हुआ कि हम यहाँ पे सिंगल कॉमन प्लेट नहीं पुट कर पाएंगे, इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक प्लेट डाल दो सो दैट ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग तरीके से करें, लेकिन वहां पे ऊपर अलग प्लेट डालो सो दैट यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग तरीके से करें, यहाँ पे जबरदस्ती एक सिंगल प्लेट तुम नहीं रख पाओगे क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसलिए मैंने इस पोर्शन को अलग ट्रीट कर लिया, उस पोर्शन को अलग ट्रीट कर लिया और इस तरीके से। बट देयर इज अ काउंटर क्वेश्चन आल्सो, अभी रुक जाओ, एंड दैट इज यू माइट से कि उधर से अगर मैं देखूं तब तो सेम डायलेक्ट्रिक है, उधर से अगर मैं देखता हूं तो सेम डायलेक्ट्रिक है, तो
तो वहां अगर मैं देखता हूँ थिकनेस तो वो तो फिर सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द आंसर इज ऐसे नहीं होगा। उसका रीजन लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसका रीजन इंटरेस्टिंग है। उसका रीजन पता है क्या है कि यहां पोर्शन में जो सिग्मा बनेगा और इस पोर्शन में जो सिग्मा बनेगा वो अलग बनेगा, समझ रहे ना? इस पोर्शन में जो चार्ज डेंसिटी बनेगा वो अलग बनेगा और इस पोर्शन में जो चार्ज डेंसिटी बनेगा वो अलग बनेगा। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ का फील्ड अलग होगा, वहां का फील्ड अलग होगा। वो तो जैसे रिक्वायर्ड है उस तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर ले। अब तुम बोलोगे मुझे फिर बताओ उसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगा, वो निकल जाएगा। क्यों? ये देखो ना, अगर तुम ये कैपेसिटर सेट निकाल लोगे और अगर इसके साथ एक बैटरी वैटरी जोड़ दोगे तो ये तो दो पैरेलल और दो सीरीज में आपस में है, तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना तो हमें आता है। ये हमने कल भी क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वो तो हम कर लेंगे। तो देयरफॉर अगर कहो तो मैं सिग्मा वन सिग्मा टू निकाल सकता हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, ये तुमको ऑलरेडी आता है, इसलिए ये अपने आप कर सकते। द मेन की क्राइटेरिया वाज दैट यहाँ पे एक सिंगल मेटल प्लेट जबरदस्ती डाल देना वाज द एरर, और उसको हमने ठीक कर दिया बाय पुटिंग अ प्लेट अप टू दिस एंड देन अनदर प्लेट अप टू दिस, मतलब ऊपर वाला पार्ट। एंड देयरफॉर नाउ आई ड्रॉ नाउ द डायग्राम एंड नाउ दिस विल बी कंसीडर्ड करेक्ट। इज दैट ओके ना? और कुछ? प्रणय हैज नाउ आस्क्ड कि वो पहले वाले थ्री ब्लॉक वाले में क्यों नहीं हुआ। फिर बिल्कुल हुआ था, मैं उसको भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखो मैंने थ्री ब्लॉक वाले में कैसे लिया, देखो थ्री ब्लॉक वाले में मैंने कैसे लिया, ये था ऊपर वाला और ये नीचे वाला। हमने इस पोर्शन को अलग लिया, इस पोर्शन को अलग लिया, इसलिए ना इक्विवेलेंट बना ऐसे। ये देखो ये पोर्शन पूरा अलग हो गया और यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग, यानी हमने मेटल प्लेट यही तक जोड़ा था, बस यही तक, पूरा नहीं जोड़ा था, यही इतना तक जोड़ा था। तो therefore मैंने नीचे वाला पोर्शन को अलग कर दिया। अब इसमें क्या दिक्कत? ये तो ओके है, नो इश्यूज विद दैट, चेक करो, है ना? तो हर क्वेश्चन के अपने अपने नुएंसेस है। आई होप नाउ दिस इज ओके, समझ में आ गया। और इसका आंसर मैंने दिया तो था, शायद वहां पे मिटा दिया होगा, मिटा दिया जो भी है, देख लेते। ओके, अभी तक एक चीज था और वो था कि डायलेक्ट्री कांस्टेंट फिक्स था, बट अगर मान लो वेरिएबल कर दूं तो, जैसे सपोज मैं कहता हूं कि ये प्लेट है और यहाँ पे एक मैंने डायलेक्ट्रिक रखा है, इसका थिकनेस एज यूजुअल डी है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना कुछ एक्सिस जोड़ देता हूँ सो दैट इसके साथ हिसाब किताब भी हो जाए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना? तो सपोज मैं कहता हूँ कि इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है, जय, वॉट यूर सेइंग इज राइट, आई थिंक यू आर ट्राइंग टू आंसर प्रणव्स क्वेश्चन में भी, तो देन यू आर राइट, ठीक बोला कि यहाँ पे हमने अलग सा प्लेट ले और वो अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, तो ये जो नीचे जो बीच में प्लेट हमने जोड़ा है वो सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, तो उसको तो अलग से उड़ा दिया मैंने, वो तो खत्म ही हो गया, अब तो बस इतना पोर्शन बचा, अब तो प्लेट वेट लगाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ, तो ये डायरेक्टली कांस्टेंट है, यू टू फाइंड आउट एप्सिलॉन इक्विवेलेंट। ऐसे एक और क्वेश्चन भी पॉसिबल, ऐसे एक और पॉसिबिलिटी, ठीक है ना? And that is, इसी में मान लो मैंने कर दिया epsilon r plus cx, तो in that case क्या बोलते हैं, dielectric constant equivalent क्या होगा, है ना?
एक्चुअली ये वाई वाला ज्यादा आसान है, इसलिए मैं वाई का तो फटाफट हटा देता हूँ। सत्यम से रिपीट द क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक रखा है मैंने जो कि वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल, ठीक है ना, और इसका तुमको इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। तो एक तो इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो देयरफॉर उस हिसाब से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है। एक क्वेश्चन में वाई के साथ वेरिएबल है और एक में एक्स के साथ वेरिएबल, ये बात है ना। तो देयरफॉर दोनों दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में एप्सिलॉन इक्विवेलेंट और सेकंड क्वेश्चन में भी एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। इसकी लेंथ कितनी है? वो तो अपने आप ले लो, वो डी वगैरह और वो सब ए वगैरह ले लो, वो तो स्टैंडर्ड नोटेशन है, कोई दिक्कत नहीं। डी तो दिया ही है और मतलब बाकी एरिया ए ले लो, एरिया प्लेट ए। बस यही सवाल। तो ऐसे में जैसे अगर मैं वाई वाला करता हूं, ऑब्वियसली हमें इसमें टुकड़ों में डिवाइड करना, बस ये देखना पड़ेगा कि रेलेवेंट टुकड़ा क्या होगा। तो हम देखेंगे इस कैपेसिटर को डिवाइड करेंगे इनटू स्मॉल स्मॉल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। एक एक कैपेसिटर कुछ ऐसे डिस्टेंस में, मान लो वाई डिस्टेंस में, ऐसे वाई डिस्टेंस में dy थिकनेस का बने, है ना, तो y डिस्टेंस पे dy थिकनेस का बनेगा ये एक प्लेट, छोटा सा प्लेट के पास। मैं अगर इसका 3D डायग्राम बनाऊंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड से बनेगा, बट चलो मैं फटाफट बना देता हूं। y हाइट पे ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इनके सामने आपने सामने प्लेट्स है। तो ऐसे सारे कैपेसिटर जो होंगे ये सारे पैरेलल होंगे, क्योंकि एक एक कैपेसिटर देखो दोनों प्लेट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, यानी ये सारे पैरेलल में, है ना। एक तो आ गया, जय गोयल ने आंसर दे दिया, एप्सिलॉन नॉट वाई प्लस एप्सिलॉन नॉट सी वाई स्क्वायर बाई टू, ठीक है, गुड आंसर। मैं इसको फटाफट जो है वो कर रहा हूँ, समेट रहा हूँ, क्या बनेगा देखो इसका कैपेसिटेंस, डी सी इज इक्वल टू epsilon r, epsilon r तो ये epsilon naught plus c1 into a, a बोलते क्या होगा, a होगा dy into इसका breadth जो भी है ना, कुछ इसका length ले लो और breadth ले लो, ये हो जाएगा b dy by d, so therefore c is equal to integration dc और वो भी limits of 0 to l, है ना, 0 टू l, तो इस इक्वल टू, है ना, ये बनेगा एप्सिलॉन नॉट l प्लस एप्सिलॉन नॉट c, सॉरी प्लस c l स्क्वायर बाय 2 इनटू b, और d तो है ये, ठीक है ना। तो अगर मैं इनसे एप्सिलॉन नॉट ab epsilon naught lb by d common लेता हूं, ये आ जाएगा एक्चुअली, एक तो मैंने epsilon naught देके थोड़ा सा दिक्कत किया है, मैंने इसको मैं थोड़ा चेंज कर दूं, क्योंकि अदरवाइज ना epsilon naught जो यूनिवर्सल वाला और ये वाला थोड़ा कंफ्यूज कर, है ना, इसलिए एक काम करो इसको ले लेता हूं a plus c, इससे बेटर होगा, ठीक है, आई मीन यू आर दिस थिंग आल्सो स्टैंड्स एज़ यू सी।
वो मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए EC is equal to epsilon naught A by D, ये ज्यादा अच्छा, तो epsilon naught ALP plus epsilon naught C D L square by 2D epsilon naught L by LB by D, तो ये आ जाएगा A plus L प्लस सी एल बाई, ये इसका आंसर है, यानी इसका जो एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा ए प्लस सी एल बाई टू। मैंने गलती किया कि यहां पे एप्सिलॉन नॉट देखे, वो एप्सिलॉन नॉट नहीं देना चाहिए था, चलो कोई नहीं, है ना। हाँ ठीक है, वो गलती मेरा ही हुआ कि मैंने गलती से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दे दिया, वो नहीं देना चाहिए था, अगर ये कांस्टेंट दे तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज ना एप्सिलॉन नॉट के साथ वो जो यूनिवर्सल वाला उसके साथ वो मैच करता है तो कंफ्यूजन, इसलिए मैंने इसको चेंज। अच्छा ऐसे ही फिर इसको भी चेंज कर देता हूँ, ए प्लस सी एक्स कर दो, तो पहला वाले का तो आ गया ए प्लस सी एल बाई टू, और दैट इज द एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट। सेकेंड वाला इससे थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग, इन द सेंस कि डीसी तो यही बनेगा है ना, लेकिन सॉरी तो अलग होगा, तो डीसी जो है उसमें भी ऐसी टाइप का कुछ बनेगा, इंस्टेड ऑफ दिस अब तो ये बनेगा, इसका फिगर थोड़ा अलग बनेगा क्योंकि इस बार एक्स कॉमन लेना पड़ेगा, यानी इस बार अगर ये डायलेक्ट्रिक है, मान लो अगर ये डायलेक्ट्रिक है और अगर ये मान लो प्लेट है, तो इस बार मुझे सेक्शन ऐसे लेने पड़ेगा एक्स और ये होगा डीएक्स, ये इसका सेक्शन, तो देखो इस बार जो डीसी लेंगे वो होगा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी ए प्लस सी एक्स, ए प्लस सी एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट, इस बार ए तो पूरे ए होगा क्योंकि इस बार का जो सेक्शन होगा ना, इस बार का जो सेक्शन है वो करीब करीब ऐसे होगा, अगर मैं 3D में देखता हूं ना तो सेक्शन इस बार ऐसे होगा, ये है सेक्शन, ए का तो पूरा एज इट इज ए ही रहेगा, ए में कोई अंतर नहीं है ना, ये इस तरीके का सेक्शन। So therefore, DC आ गया this by into A by DX. So इस बार के जो thickness है वो DX है. Not only that, इस बार के जो capacitors होंगे वो सारे series में होंगे, है ना? इस बार सारे series में होंगे. So therefore, एक major इनका अंतर क्या था कि यहाँ पे all DC आर इन पार्लर, ये पिछले बार था, इस बार क्या हो रहा है, इस बार ऑल डीसी आर इन सीरीज, इसलिए इस बार इंटीग्रेशन डीसी का होगा ही नहीं, इस बार इंटीग्रेशन वन अपॉन डीसी का होगा, सो देयरफॉर 1 by DC is equal to, जिसका इंटीग्रेशन हम करेंगे, therefore हम लिखेंगे 1 by C is equal to integration of 1 upon DC is equal to integration, अब इसका जो लिमिट्स लेंगे वो लेंगे 0 to D, और इसको पलट देंगे, DX by epsilon naught A into A plus CX, ठीक है, ये आ गया लिमिट्स, यानी इक्वल टू एल एन ए प्लस सी डी बाय ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, ये लेकिन वन बाय सी आया, सो देयरफॉर सी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इनटू डी बाय एल एन A plus C D by A,
यानी इस बार जो एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, सॉरी ये हाँ ठीक है यही, तो इस बार जो है मैं इसको मिटा देता हूं, बस थोड़ा सा रह जाता है इसमें, बस ये मैं बता देता हूं। तो देयरफॉर यू विल हैव एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट एज इक्वल टू डी अपॉन एलएन ए वन ए प्लस सी डी बाय ए, ये आ जाएगा इस बार का एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना। एक बार देख लो अच्छे से, इंटीग्रेशन बाय सी एक्स है, सी एक्स अच्छा हाँ ठीक है, एक सी भी तो आएगा, तो एक वन बाय सी भी आएगा ना कहीं पे, आएगा एक सी इधर आएगा ना, वन बाय सी आएगा तो एप्सिलॉन ए, तो यानी एक सी इधर भी आएगा, ठीक है सी आएगा तो एक इधर सी आएगा, ठीक है तो सी भी आएगा, यानी आंसर आ गया सी डी, हाँ प्रणय ठीक है यू आर राइट, वो सी मिस हो गया था, तो लाइक आप देख लो यानी एप्सिलॉन आर इक्विवेलेंट हो गया सी इंटू डी बाई एल, लेकिन एक्चुअली इसका जो असली मुद्दा है वो है इसका वो जो सीरीज वाला सेटिंग, कि हम ऐसे ऐसे कैपेसिटर्स लेंगे, ये सारे कैपेसिटर्स होंगे ऐसे ऐसे, है ना, ये सारे आपस में सीरीज में होंगे और सीरीज का कैसे करना होता है उसके कारण रफ सा आइडिया बन गया, आगे भी और भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बैड थिंग्स कुड बी इन सीरीज में, ठीक है ना, तो दैट वुड बी द वे ऑफ टैकलिंग द थिंग्स, ठीक है चलो ठीक है, तो लाइक आज के लिए इतना ही करते हैं, वी विल कंटिन्यू टुमारो, कल हम लोग करेंगे कि अगर मान लो कैपेसिटर ना सीरीज होता है ना पैरेलल होता है तो फिर क्या करें, अभी तक तो सारे क्वेश्चंस इंक्लूडिंग इवन दीज आल्सो हम लोगों ने जो है सीरीज पैरेलल के टर्म्स में कर लिया, बट कई बार देखना सीरीज पैरेलल बन ही नहीं पाता, वो ऐसे आपस में सब खिचड़ी पकाया हुआ होता है कि सीरीज पैरेलल नहीं बन पाता है, इन दैट केस हमारे पास अल्टरनेटिव मेथड है सर्किट्स को सॉल्व करना, दैट वुड बी द एजेंडा टुमारो, दैट मींस किरचॉफ्स लॉ टू बी प्रेजेंट, ठीक है चलो ठीक है आज के लिए इतना ही करते हैं, विल मीट अगेन, ठीक है बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सर, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye. Bye.